हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोधपुर जो स्टोन होता है, जोधपुर पत्थर होता है, उसको धोने के बाद वो कलर किया जाता है। तो आपको किस मात्रा में सफ़ेद सीमेंट और लाल कलर और पीला कलर लेना चाहिए। आप जितना भी महंगा पत्थर लगा लेते हो, लगाने के बाद जो कलर की लुकिंग रहती है उसको धोने के बाद, तो वो कलर किस मात्रा में आपको मिलाना चाहिए जिससे कि आपको ओरिजिनल कलर या सही कलर आपको मिल सके करवाने के बाद। क्योंकि कभी कभी हम सही मात्रा में उस कलर को नहीं मिलाते हैं, तो कभी कभी वो ज़्यादा डार्क रहता है या ज़्यादा फीका दिखाई देता है। सही मायने में हम जो ग्लेंडर या कुछ टुकड़े उसको टुकड़े को जोड़ते हैं या अपने चुने करने के बाद जो टिपे भरी जाती हैं, तो उस कलर की सही सही कलर ना मिलने के कारण वो या तो ज़्यादा गहरा दिखता है या ज़्यादा फीका दिखता है। इसी वीडियो में मैं उस कलर को बारे में बताऊंगा। तो आपको किस क्वांटिटी में वो कलर लेना है जिससे कि आपके जोधपुर स्टोन उसी कलर कलर बनाने के बाद जोधपुर स्टोन के पत्थर का कलर और टिप्पो कलर सेम हो। तो आज आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर। वीडियो पर चलने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार के चुनाई, प्लास्टर, जोधपुर स्टोन, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर, जहाँ पे मैं आपको कलर की मात्रा किस क्वांटिटी में लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम कारुराम वैष्णव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कलर बनाना, तो आपको किस मात्रा में वो कलर लेना है। तो आपको सबसे पहले कुछ भी ले लीजिए, गिलास, डिब्बा या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम कलर डाल सकते हैं, तो उस चीज़ की मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए जितने कि हम कलर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए हमने एक डिब्बा लिया। डिब्बा लेने के बाद आपको 18 डिब्बा किन के एक साइड में उसको डालना है। 18 डिब्बे मतलब कोई भी चीज़ आप ले रहे हो उसी से उसी चीज़ को नापना है। 18 डिब्बा व्हाइट सीमेंट, अच्छी क्वालिटी की व्हाइट सीमेंट होनी चाहिए जिससे कि उसका कलर में डार्कनेस या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आए और ज़्यादा पुरानी सीमेंट भी ना लें। और दूसरी चीज़ आपको लाल कलर, जो आपको लाल कलर और पीला कलर जो आपको बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कलर लेते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आप जो कलर ले रहे हो वो कलर बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और आप कम मात्रा या उस हिसाब से ना ले कलर। आपको ज़्यादा लाल दिख रहा है वैसा कलर भी ना ले, अच्छी क्वालिटी का उस दुकानदार को बोलिए, वो अच्छी क्वालिटी का आपको कलर दे देगा। तो आइए चलते हैं कलर बनाने की ओर। इस प्रकार ये मिलाया जाता है, इसको अच्छी तरह से मिला लें जिससे कि सभी जो हम डाले गए आइटम सभी साथ में एक साथ मिल जाए। 18 डिब्बे एक साइड में आपको बरोबर भर के एक साइड में डाल देने हैं। और उसके बाद एक डिब्बा आपको लाल कलर लेना है और दो डिब्बा पीला कलर, उसी साइज का जो आपने डब्बा लिया उसी साइज में आपको उतना ही भरना है। उसको डाल के अच्छी तरह मिला लें और मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से आप छान लें। उसके बाद आपको जितना चाहिए उतनी ही मात्रा में उसको गीला करके काम में लें। उसके बाद जो टिप्पे करते हो तो उस टिप्पे करने के बाद उस पर ब्रश या अच्छी तरह से धोने के बाद उस हिसाब से टिप्पे करें जिससे कि आपका कलर ज़्यादा फैट ना हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।